गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स ग्रेड, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास. टूडे वी विल डिस्कस थ्री लाइन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 3. लेट्स स्टार्ट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज. फोर्सेज के बेटा क्या इफेक्ट होते हैं. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट मे अंडरगो अ चेंज, उसमें चेंज आता है. क्या चेंज आएगा? अगर हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इट मूव. अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फोर्स के कारण स्पीड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है. अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो शेप और साइज वो भी क्या कर देती है? चेंज कर देती है. योर सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज़ द वेट ऑफ अ बॉडी. बेटा वेट ऑफ बॉडी क्या होता है? नेम द डिवाइस यूज टू मेजर द वेट ऑफ बॉडी. वेट क्या होता है? हमने डिस्कस किया था ना, जो हमारा मास होता है अगर उस पर एक फोर्स लग जाए, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम वेट बोलते हैं. देखो, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट. ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर. ठीक है, वो फोर्स जिसके कारण से जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है बॉडी को टूवर्ड्स कहाँ? टूवर्ड्स इट्स सेंटर, उसे हम वेट बोलते हैं. स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस यूज टू मेजर द वेट. हम वेट किससे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, आपने फ्रिक्शनल फोर्स के करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. क्या क्या होते हैं? द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कब आती है? जब दो सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में होते हैं. तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सर्फेस. इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ठीक है, ये खुद एडजस्ट हो जाती है. मीन्स कब ये मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी? इट एडजस्ट बाय योर सेल्फ. इट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी. ठीक है, और मैंने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? एक ऑपोजिट फोर्स होती है. तो इट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस मेथड फॉर ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन को बेटा कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ऑयल और ग्रीस देकर. ठीक है, टू द रबिंग सर्फेस, जैसे मशीन्स होती है उसमें हम फ्रिक्शन कैसे कम कर सकते हैं? बाय ऑयल और ग्रीस. फ्रिक्शन कैन रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बियरिंग इन मशीन्स. ठीक है, बॉल बियरिंग जो मशीन्स में यूज़ होते हैं उसके वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट. ठीक है, फ्रिक्शन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय यूजिंग व्हील. व्हील हम यूज़ कर सकते हैं टू द मूव ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमारी गाड़ियाँ मूव करती हैं उसमें व्हील्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी क्या होती है? कम होती है. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रिमलिंग द बॉडी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, फ्रिक्शन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय स्ट्रिमलिंग द बॉडी. एंड लास्ट क्वेश्चन, थ्री लाइन क्वेश्चन, मैंशन सम मैथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन कैसे अब इंक्रीज कर सकते हैं? ग्रूव्स आर मेड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स. ठीक है, टायर्स में क्या होते हैं? ग्रूव्स होते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्किडिंग. स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ प्लेयर एंड एथलीट्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. जो स्पाइक्स होते हैं वो शूज़ में होते हैं ना, क्यों होते हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग. मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटीरियल. जो मशीन बेल्ट होती हैं उसे स्पेशल मटीरियल से डिज़ाइन करते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली. ठीक है, मशीन बेल्ट को प्रॉपरली स्पेशल मेथड से क्या करते हैं? मेड करते हैं, बिकॉज उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और जो ड्राइव मशीन्स व्हीकल्स हैं वो प्रॉपरली ड्राइव करें. नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, फोर्सेस की क्लासिफिकेशन हमने बतानी है. फोर्सेस क्या होती हैं? टू टाइप्स की होती हैं. वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज विच रिक्वायर सम फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है, जिसमें क्या होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, जब हम डोर क्लोज करते हैं, क्लोजिंग द डोर रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन आर हैंड एंड द डोर. ठीक है, पुश
pull, twist, friction, etc. are also the example of contact forces. और non-contact forces कौन सी होती हैं? Non-contact forces are forces which do not require physical contact, जिनमें physical contact की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, between two bodies on which they act. For example, electrostatic force होती है, ठीक है, magnetic force होती है, gravitational force होती है, ये सिर्फ attract करती हैं, इनमें physical contact की ज़रूरत नहीं पड़ती, right बेटा? नेक्स्ट स्टेट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. ये बेटा सेम क्वेश्चन वही है जो हमने पढ़े हैं, मेथड टू रिड्यूस एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है. रिड्यूस वाले क्या हो जाएंगे हमारे डिसएडवांटेजेस, और इंक्रीज वाले क्या हो जाएंगे हमारे एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है देख लो, फ्रिक्शन एनेबल अस टू मूव वॉक विदाउट स्लिपिंग, फ्रिक्शन एनेबल अस टू ड्रॉ एंड राइट ऑन पेपर, फ्रिक्शन एनेबल अस टू बर्न अ मैच स्टिक, ठीक है. ये सभी जो भी हम काम करते हैं ये हम किसके वजह से करते हैं, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से करते हैं. फ्रिक्शन एनेबल अस टू अप्लाई ब्रेक्स एंड स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, ठीक है. फ्रिक्शन की वजह से ही हम अप्लाई करते हैं ब्रेक्स और स्टॉप करते हैं मूविंग व्हीकल्स को. अब बेटा डिसएडवांटेजेस क्या हो गए इसके, फ्रिक्शन वियर्स अवे द सोल्स ऑफ शूज, ठीक है. जो हमारे सोल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे जूते के तलवे घस जाते हैं ना, ठीक है, वो स्लिप करने लगते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं. पर्सन में फॉल ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, ठीक है, हम लेस फ्रिक्शन के कारण फॉल भी कर सकते हैं. फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग मशीन्स पार्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन स्लो डाउन मोशन, ठीक है. ये सभी क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट बेटा देर इज़ अ सिंपल न्यूमेरिकल, सीता सेल्स ऑन अ बोट विद द फोर्स ऑफ 800 न्यूटन, ठीक है. हमारे पास फोर्स कितनी है, 800 न्यूटन, अलॉन्ग एन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. इफ द फोर्स अप्लाइड बाई द स्ट्रीम इज 500 न्यूटन, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड. डाउन स्ट्रीम की हमने फाइंड करनी है और अप स्ट्रीम्स की, ठीक है, हमने डाउन स्ट्रीम्स और अप स्ट्रीम्स की क्या करनी है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है. ऑफ अ बॉट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन, हम कैसे करेंगे. फोर्स ए हमने ले ली 800 न्यूटन एंड फोर्स बी हमने ले ली 500 न्यूटन. अब बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है देखो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ए प्लस बी, ठीक है. ए प्लस बी इज रिजल्टेंट, तो कितना आ गया 1300 न्यूटन. और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो कितनी आ जाएगी 300 न्यूटन, राइट. With this, your chapter number 3 is completed. Revise your chapter by practicing on practice notebooks. Thanks and have a nice day.